मेरे वालों सारियां नूं सत श्री अकाल जी, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। ते हुण आपां खड़े हां गुरद्वारा श्री मैदियाणा साहिब दे अगे, उधर पिछे दरबार साहिब ने, चलदे हां गुरद्वारा साहिब दे अंदर, गुरद्वारा साहिब दे दर्शन करावांगे तुहानूं। ते इत्थे जिवें आपां नूं पता कि सिख इतिहास दे रिलेटड बहुत सोहणे मूर्तियां बणियां होईयां ने, उह वी तुहानूं दिखावांगे। ठीक है, चलो चलदे हां हुण आपां अंदर गुरद्वारा साहिब दे। ते गुरु गोबिंद सिंह जी पिछले स्थानों तों हुंदे होए इस स्थान पर पहुँचे जिथे हुण आपां आए हां, गुरद्वारा श्री मैदियाणा साहिब विखे। तो चलदे हां गुरद्वारा साहिब दा इतिहास दसांगे। तो इधर जिवें तुसीं देख सकते हो पिछे मूर्तियां बणियां होईयां ने, बहुत वधिया कला इह करी हुई आ, इन्हां बारे तुहानूं फिर दसांगे। पहलां आपां दरबार साहिब दे दर्शन करदे हां ते इतिहास दी आपां नाल दी नाल सांझ पावांगे। ठीक है जी, ब्लॉग च एंड तक जरूर बने रहो। इधर हले दरबार साहब के अंदर जा ही लगे सी, इतने गुरु गोबिंद सिंह मार्ग का जोड़ा नक्शा है वह आ गया सारा। ये सारा गुरु गोबिंद सिंह मार्ग आ जिदे आप सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं नेड़ों जाके दिखा, ये सारा नक्शा गुरु गोबिंद सिंह मार्ग का सारा मैप। इतों आनंदपुर साहब तो शुरू होके जितों आप शुरू कर सारा यह सफ़र है, तलवंडी साबो की तक यह चलना है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पिंड माणूके तो बाद इस स्थान पर आए, मैदियाणा साहब के स्थान पर आए। कहा जाता है कि उस समय इत्थे पानी की बहुत बड़ी ढाब सी जिथे कि अज सरोवर है। जिमें सामने इत्थे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इत्थे गुरु साहब लंबे जट्टपुरा तो इशनान करन आउंदे सन। जदों गुरु साहब 21 दिन लंबे जट्टपुरा रहे तो गुरु साहब इशनान भी इत्थे ही आके करदे सन। जो सरोवर हुण तुसीं सामने देख रहे हो, इत्थे उस समय पानी की बहुत बड़ी ढाब सी, उसनू ही ढाब तो ही बदल के उसनू सरोवर का रूप दिता गया। जो स्थान दे हुण आपां सामने दर्शन कर रहे हाँ, ये सरोवर दे कोल बनिया होया स्थान है, इत्थे ही गुरु साहब ने आके इशनान किया। इतिहास विच दस्या जांदा है कि उन्हां समयां विच इस स्थान दे नेड़े कोई भी बसो नहीं सी। जे अज दे टाइम नाल आपां कंपेयर करके देखिए, अज दे समय विच भी इह गुरद्वारा साहिब दे नेड़े बसो नहीं है। 2-3 किलोमीटर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं है गुरद्वारा साहिब दे आले दुआले।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘੋ ਢਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰੀ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਿਆ ਮੈਂ, ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਿੰਘੋ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਿਓ ਸਾਰਾ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਟੈਚੂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫਕਸੀਅਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਆ ਉਹ ਜਲਾਦ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ
ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ ਰਾਏਕੋਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਰੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੋਊ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਜੀ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਦੋਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ।
इधर भाई साहब पानी की सेवा कर रहे ने, जल की सेवा। देखो अपने जिहड़े इन्हां दे जाने कि दुश्मन सी उन्हां नूं भी, जिहड़े दूजी धिर दे सी उन्हां दे, इन्हां नूं भी पानी पिला रहे ने, ते इधर दे सिंघां नूं भी पानी पिला रहे ने। जिहड़ा हुण तुसीं सामने देख रहे हो, ये महंत कृपाल दास जी ने जिहड़े जंग दे मैदान च दुश्मनां दा सामना कर रहे ने। इधर सारा सरहंद का साका आ गया भी, किमें किमें सरहंद का साका होया, की होया। इधर ठंडे बुरज च माता गुजर कौर जी बैठे ने, देखो जी। तो उधर छोटे साहबजादे नीहां बिच चिणिया जा रहा है। आ मिस्त्री वालों नींह बनाई जा रही है। इधर सूबा सरहंद वो खड़ा है। आ नीहां विच चिणन तो पहला का दृश्य, सूबे सरहंद की कचहरी च साहबजादे खड़े ने जी। ये जड़ी सारी कला है, ये भाई तारा सिंह रायकोट वाले ने सारा उन्हां दी ये कला देख सकते हो, बहुत सोहने तरीके नाल यार बनाया गया है। एक असलियत की तरह लगता जो आपां अपनी नंगी अख नाल देखते हैं, एक ऐ लगता कि आपां दृश्य अपने अखा मूहरे हुण ऐसे टाइम एट अ प्रेजेंट देख रहे हैं, आपां नूं ऐ लगता। तो तुसीं इस साइड आओ तां स्पैशली आओ यार, मैं तो कहना स्पैशल इस जगह पर आओ, जां तुहाडे बच्चे ने जां उन्हां नूं भी दिखा के लैके जाओ, अपनी सिख हिस्टरी बारे पता लगे। सारा इतिहास भी दस्या गया है, जिवें हुण इधर साहबजादे वाला मैं तुहानूं दिखाया, सारा इतिहास दस्या भी उस की होया, ये सारा कुछ इहदे च दस्या होया है। ते हाँ भी देख ले सारे। हाँ जी, इह ना भाई तारा सिंह दा बनाया होया। अच्छा, रायकोट दे सीगे ओह भाई तारा सिंह, उन्हां दा इह बनाया होया आपदे हत्थी। बहुत वधिया चीज़ बनाई, बहुत घैंट चीज़ बनाई हुई है, देखण वाली चीज़ है बई, तुसीं जरूर आयो देखण। मैं धियाणा साहब तो चलण लग्या, नेरा हो गया, पहलां तां काफ़ी वड्डा सी ना ब्लॉग बनाया, सारा ब्लॉग बनाया, बाकी आपदियां फोटो खिंचण लग गए, लाइटां चल पईआं। उधर देखो पिछे तुहानूं दिखदा होऊ, पिछे बनी नहीं गल, आओ देखो लाइटां चल पईआं। आपदे आथण जी दा टाइम हो गया, उरों चलदे आपां, इत्थे नहीं अज स्टे करदे आपां, स्टे अगलो इस तों अगले स्थान ते करांगे, तख्तूपुरे, तख्तूपुरे आपां रहांगे जाके, ठीक है। ते चल भी, मैं ते आने साहब तो चलन लगे हाँ। अज सारे राह तो वधिया काम करिया, ड्राइवरी वधिया करी मुंडे ने, सारा कुछ करिया। उरे मैं ते आने साहब मोटरसाइकिल लाया के चाबी बिच्चे छड्ड गया पतंदर दा, देखो चाबी हले भी बिच्चे है, हले बिच्चे आ पई आ चाबी। मैनू कहिंदा यार चाबी खोगी, चाबी खोगी, जद मैं आ के देखिया चाबी बिच्चे, इहदा बचत रहेगी, गुरु घर करके बच गए। जे कितें होर बाजार च आए होंदे जां कितें होर आए होंदे, हो गया दी कम आ गया। लै हुण हासी सुझदी आ, अगे चल यार। चलो ठीक है,
ਇਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ 'ਚ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।